स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइट एंड न्यूक्लियोटाइड। और ए दोनों को समझने के लिए बच्चों हम लोग को एनिमल सेल में जाना होगा। एनिमल सेल हम लोग सबसे पहले बनाते हैं और एनिमल सेल का सेल में क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है। इसको रिप्रेजेंट कीजिए न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोजोम्स होता है। क्रोमोजोम्स जो हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्रोमोजोम्स। और क्रोमोजोम्स जो होता है प्रोटीन प्लस बायोमोलेक्यूल्स का बना होता है, बायोमोलेक्यूल्स। और ये जो बायोमोलेक्यूल्स होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड को जो है बच्चों पॉली न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। पॉली न्यूक्लियोटाइड पूछेगा, पॉलीमर, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हो गया न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब कहता है इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड का तीन कंपोनेंट होता है। पहला को कहते हैं पेंटोज सुगर, पेंटोज सुगर, सुगर नहीं पढ़िएगा, पेंटोज सुगर। इसमें दो यूनिट होता है, एक को कहते हैं राइबोज कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, डी ऑक्सी राइबोज, है ना। अब कहता है दूसरा है नाइट्रोजेनियस बेस, नाइट्रोजेनियस बेस, है ना। और नाइट्रोजेनियस बेस में कौन कौन रहता है, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन, ये चार बेस रहता है। और तीसरा कंपोनेंट है बच्चों फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, जिसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना सकते हैं। इस प्रकार से है ना। अब हम लोग को क्या देखना है, न्यूक्लियोसाइट और दूसरा है न्यूक्लियोटाइड, दोनों में अंतर भी आपको समझ में आएगा। अंतर पूछता है न्यूक्लियोसाइट में जो होता है इसमें पेंटोज सुगर होता है, पेंटोज सुगर अटैच रहता है नाइट्रोजेनियस बेस, नाइट्रोजेनियस बेस, है ना। अब न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है कि पेंटोज सुगर, पेंटोज सुगर तो होता ही है प्लस नाइट्रोजेनियस, नाइट्रोजेनियस बेस भी होता है और प्लस फास्फोरिक एसिड, इसमें तीनों होता है फास्फोरिक एसिड, है ये तो समझ गए। अब हम लोग न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिरोन को देखे होंगे जस्ट लाइक, है ना, इस प्रकार से बनाएंगे। बहुत आसान है, एक बार देख लिए लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। जहां जहां एंगल दिखाई दे लाइन खींच दीजिए। यहां हो जाएगा बच्चों सी एच टू ओ एच, एच ओ एच, ओ एच, एच एच एच। अब यहां क्या करना है, कार्बन का काउंटिंग करेंगे तो यहां से करेंगे वन कार्बन, टू कार्बन, थ्री कार्बन, फोर कार्बन, फाइव कार्बन। तो इसमें कहेंगे वन प्राइम टू प्राइम, यानी वन प्राइम पर नाइट्रोजेनियस बेस अटैच रहेगा ऐसे, है ना। ए आपका क्या हो गया, न्यूक्लियो
साइड्स हो गया। अब यहां बच्चों यहां OH को हटा के अगर एच कर देते हैं तो ये हो जाता है डीऑक्सीराइबोज। ऐसे क्या है राइबोज। अब यहां ये फर्स्ट प्राइम पर बेस नाइट्रोजेनियस बेस अटैच है और फास्फोरिक एसिड को अगर फर्स्ट एंड लास्ट यानी फिफ्थ कार्बन पर अगर फास्फोरिक एसिड को जोड़ते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो हम लोग जोड़ लेते हैं बच्चों इस प्रकार से करेंगे। यहां है नाइट्रोजीनियस बेस एच हो गया ओ एच 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 ओ एच। अब यहां क्या करेंगे एच टू सी एच। अब यहां से फास्फोरिक एसिड को ऐड करेंगे पी ऑक्सीजन 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 है ना। ये हो गया आपका न्यूक्लियोटाइड और ये जो है आपका न्यूक्लियोसाइट्स न्यूक्लियोसाइट्स। घेर दीजिए ताकि खिचड़ी नहीं बने। यही तो है बच्चों आज का टॉपिक। रेगुलर क्लास कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग डीएनए और आरएनए को लेकर के आएंगे। इसी के साथ